गर्मी बढ़ने के साथ साथ अब बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना तो कर ही रही है, लेकिन मौसमी बीमारियों से बचाव करना भी बेहद जरूरी है। गर्मी से मच्छर लगते हैं और मच्छर के काटने से होता है डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को हर साल इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लोग साफ सफाई रखें, गंदा पानी ना जमा होने दें, इन सब बातों की जांच के लिए टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर कूलर, छत और आसपास सफाई की जांच करती है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ये डीबीसी कर्मी भी अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। वहीं जो भी कर्मचारी चेकिंग के लिए जा भी रहे हैं तो लोग कोरोना के चलते उन्हें अपने घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने घर पर खुद ही साफ सफाई रखें ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें और अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आखिरकार क्या है डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के लक्षण? तेज बुखार और शरीर में प्लेटलेट्स का कम होना, कमजोरी महसूस होना, भूख ना लगना, सिर दर्द, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन होना, त्वचा पर लाल चकते पड़ना, ठंड व कंपकपी के साथ बुखार, गले में हल्का दर्द होना। हमें इस समय क्या सावधानियां बरतनी हैं? छत पर टूटे कप, गिलास, गमले आदि में पानी 2 से 3 दिन से ज्यादा जमा ना होने दें। पक्षियों को पानी पिलाने वाले बर्तन का पानी रोज बदलें। कूलर का भी पानी 2 दिन में बदलें। पूरी बाजू के कपड़े पहनकर सोने से मच्छर नहीं काटेंगे और हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।